हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं बता रही हूँ मेहंदी के बारे में, बालों में मेहंदी का आप मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान ले लिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने चुकंदर, लौकी, मेहंदी, कॉफ़ी, दही और एक आयरन का पोट ले लिया है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें लेकर मेहंदी की मिक्सिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। यहाँ पर मैंने लौकी ले लिए हैं क्योंकि लौकी में काफ़ी मिनरल्स होता है। इसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम होता है, आयरन काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कद्दूकस करके रख दिया है लौकी को। उसके बाद चुकंदर को लिया है। चुकंदर को मैंने काट के 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। तो आप इसमें बॉईल भी कर सकते हैं और कट करके भी रख सकते हैं इसका पानी यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दो पैकेट मैंने मेहंदी के लिए हैं। सबसे पहले मैंने जो कद्दूकस किया था लौकी को, उसका पानी मिक्स कर दिया। आपने देखा कि वो ब्लैक भी हो चुका था। यहाँ पर दही डाली है मैंने 2 चम्मच। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप सारा मिक्सर ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर डाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा रीठा आंवला स्किप हो गया था। तो अगर आपके पास रीठा आंवला सीखा खाई है तो आप ज़रूर डालें, अगर नहीं भी है तो कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारा मिक्सर इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसको 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए बंद करके या ढककर आप रख सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है मेहंदी पर। और यहाँ पर मेहंदी लगाने से पहले मैं इसमें 4 से 5 बूंदे नींबू डालूँगी क्योंकि नींबू भी काफ़ी अच्छा रहता है बालों के लिए। देखिए, इस तरह से पूरा मिक्सर अच्छे से तैयार हो चुका है। और लगाने से पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बालों में अच्छे से कॉम करेंगे। और इस तरह से आप खुद अगर बालों में मेहंदी लगा रहे हैं तो आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी पार्टिंग करके इस तरह से मेहंदी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका काफ़ी अच्छा कलर भी आता है बालों में, अच्छे से शाइनिंग और बालों को मोटा और हेल्दी भी बनाता है ये। तो इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी आता है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने बालों को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं थोड़ा हल्का सुखाऊंगी और इसमें फिर उसके बाद ऑयल लगाना है क्योंकि ऑयल लगाने से बालों में मेहंदी काफ़ी अच्छे से स्टे रहेगी। और देखिए, इस तरह से आपको ऑयलिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये सारी चीज़ें यूज़ करें, बालों को हेल्दी बनाए, सुंदर बनाए और घना बनाए। बहुत ही अच्छा मेथड है ये बालों में मेहंदी लगाने का। तो बालों में, तो फ्रेंड्स, बालों में काफ़ी टाइम तक कलर भी टिका रहा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और अपने कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।